नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान और आतंकवाद, ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। पाकिस्तान पर चाहे जितना भी दबाव हो, वो उससे बाहर आकर आतंकवादियों के हित में कोई ना कोई काम करता रहता है। और फिर पाकिस्तान ने कैसा ही काम किया है। दरअसल पाकिस्तान की अदालत ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे और कंधार विमान कांड के बाद भारत से छोड़े गए आतंकवादी उमर सईद शेख को रिहा करने का आदेश दिया है। उमर सईद को 2002 में पाकिस्तान में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान की सिंध हाई कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार हत्याकांड में उमर सईद शेख की भूमिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने शेख के साथ ही पर्ल हत्याकांड में जेल में बंद फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को भी रिहा करने के आदेश दिए हैं। उमर शेख पिछले 18 साल से जेल में है और वो अपनी सजा भी पूरी कर चुका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान सरकार उसे जेल में बंद रखी है। डेली पाकिस्तान के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने आरोपी अहमद उमर सईद शेख और अन्य के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का भी आदेश दिया, ताकि वो देश छोड़कर बाहर ना जा सके। बता दें कि साल 2002 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ डेनियल पर्ल का पाकिस्तान में अपहरण करके आतंकियों ने सिर कलम कर दिया था। वो ISI और आतंकी संगठन अलकायदा के बीच संबंधों को लेकर एक खोजी खबर के सिलसिले में पाकिस्तान गए थे। उमर सईद शेख उन तीन आतंकवादियों में से एक हैं, जिसे भारत ने साल 1999 में कंधार में एयर इंडिया के विमान IC-814 को छोड़ने के बदले में रिहा किया था। रिहा किए गए दो अन्य आतंकी मौलाना मसूद अजहर मुश्ताक अहमद जरगर थे। मामले में पाकिस्तानी अदालत के फैसले पर अमेरिका पहले ही चिंता व्यक्त कर चुका है। उमर शेख को रिहा करवाना भारत के खिलाफ ISI की एक चाल मानी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।